मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष महीने में मनाया जाने वाला एक प्रमुख भारतीय त्यौहार है। ये एकमात्र ऐसा भारतीय त्यौहार है जो प्रतिवर्ष एक ही तिथि 14 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत ही कम बार यह त्यौहार कभी 13 जनवरी तो कभी 15 जनवरी को मनाया जाता है। कृषि तथा सौर्य काल गणना की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। आज के दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार संक्रांति को एक देवी का रूप माना गया है जो कि प्रतिवर्ष अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती है। संपूर्ण भारत में संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और इसे विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है। कहीं पर पतंग उड़ाकर तो कहीं पर इसे त्रिकुट खिलाकर मनाती है। लोहरी, पोंगल, सुग्गी, बिहू, मकर चेला, पौष संक्रांति इत्यादि संक्रांति के ही अन्य नाम है। संक्रांति से जुड़े प्राचीन कथा के अनुसार संक्रांतसुर नामक राक्षस के वध के लिए परमेश्वर ने देवी संक्रांति का अवतार लिया था। संक्रांतसुर ने मनुष्य को बहुत ही परेशान करके उनके नाक में दम कर दिया था। देवी संक्रांति के द्वारा संक्रांतसुर राक्षस के वध किए जाने पर मनुष्य फिर से सुख शांति से रहने लगे थे। प्रत्येक भारतीय त्यौहार से जुड़ी बहुत सी मान्यताएं और कथाएं होती है जिन्हें हम प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं। हर त्यौहार से जुड़ी कुछ बातें ऐसी होती है जिसे हमें करना चाहिए और कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हमारे भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से त्यौहार की सकारात्मकता समाप्त हो जाती है और इसका मनुष्य को विपरीत फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे वह कौन से काम हैं जो मकर संक्रांति के दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात, ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं, अतः इस दौरान का संबंध सूर्य और शनि से भी माना जाता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की दशा खराब हो तो आपको संक्रांति के दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही आप प्रातःकाल में सूर्य को जल चढ़ाकर शाम को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव पर तिल अवश्य चढ़ाएं। दूसरी बात, संक्रांति के दिन दान धर्म का विशेष महत्व है। ऐसे दिन अन्य तिलगुड़, चावल या अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं का दान अवश्य करें। किसी भी जरूरतमंद या साधु संत को अपने द्वार से खाली हाथ ना जाने दें। इसी प्रकार संक्रांति के दिन विशेष रूप से किसी ब्राह्मण को भी दान दक्षिणा अवश्य करें, उनका भूल कर भी अपमान ना करें। तीसरी बात, संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व है। यदि आपके लिए संभव हो तो किसी पवित्र नदी पर जल में जाकर आप स्नान करें, संभव नहीं है तो आपके घर के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें, क्योंकि इस दिन गंगा जल स्नान का बड़ा ही महत्व है। ऐसा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होता है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही ध्यान रहे, बिना स्नान की किसी भी प्रकार का अन्न न खाए। चौथी बात, मकर संक्रांति के दिन स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, अर्थात यह मान्यता है कि इस दिन दांतों को भी मांजना नहीं चाहिए। पांचवी बात, मकर संक्रांति एक पवित्र त्यौहार है। इस दिन बाल और नाखून काटने की भी मनाही की गई है, इसलिए इस दिन ऐसा ना करें। छठी बात, मकर संक्रांति के दिन किसी भी प्रकार के तांत्रिक पदार्थों का सेवन कदापि ना करें। मांस और अनसिले पदार्थों से भी दूर रहें। हमारी संस्कृति में त्यौहार के दिन सात्विक आहार पर बल दिया गया है, इसलिए इस दिन किसी प्रकार का नशा ना करें और मांस का सेवन ना करें। सातवीं बात, अन्य का अपमान या नुकसान यह तो किसी भी दिन करना योग्य नहीं है, परंतु संक्रांति के दिन इस बात का विशेष ध्यान रहे, आप जितना भोजन थाली में लेती हैं उसे समाप्त करें। भोजन को भूल से भी व्यर्थ ना करें, नहीं तो इसका असर आपके घरों पर पड़ सकता है और आपके जीवन में निराशा एवं दृढ़ता आ सकती है। आठवीं बात, संक्रांति के दिन अपने आचरण और वाणी पर नियंत्रण और संयम रखना बेहद ही जरूरी है। किसी भी अपशब्द ना कहें, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े में ना पड़े, अपने घर में सुख शांति बनाए रखें, तभी मकर संक्रांति का फल आपको मिल सकता है और माता लक्ष्मी आपके घर में अवश्य प्रवेश करेंगी। नवीं बात, मकर संक्रांति का संबंध सूर्य देवता से है, इसलिए दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। सूर्यदेव के बाद भोजन कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के पश्चात भोजन करना अति उत्तम माना जाता है, इसे सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। दसवीं बात, मकर संक्रांति के दिन पेड़ पौधे, घास, फूल, पौधे इत्यादि ना तोड़ें। किसान भी दिन अपने खेतों में कटाई ना करें, बल्कि और पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें। इसी तरह मकर संक्रांति के दिन गाय तथा भैंस का भी दूध ना निकालें। मकर संक्रांति के दिन स्त्री और पुरुष को देर तक नहीं सोना चाहिए और इस दोनों को भी पवित्र रहना चाहिए।
पति और पत्नी किसी प्रकार का शारीरिक संबंध ना बनाएं, क्योंकि संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और मकर संक्रांति की पूजा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी वो 10 काम जो मकर संक्रांति के दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करने चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम त्रयोदय नमः अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।